चलिए अब रुक करते हैं कौशाम्बी का, जहां मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं आपको सुनवा। प्रभारी और मेरे सहयोगी और भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आज के कार्यक्रम में जिनके नामांकन पत्र भरने में हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी नेता श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा और भारत सरकार में मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल जी, हमारे सांसद श्री विनोद सोनकर जी, हम सबके वरिष्ठ नेता नेत्री और सांसद बहन रीता बहुगुणा जी, हमारे वर्तमान में विधायक जो रहे हैं और जिनके स्थान पर अभी केशव जी लड़ रहे हैं, ऐसे हमारे शीतला पटेल जी, लाल बहादुर जी, संजय गुप्ता जी, नागेंद्र सिंह जी, श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री देवनारायण पटेल जी, हमारे पड़ोस के सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं बहनें बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज इस सभा में आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ, आपकी तालियों की जो गूंज मुझे सुनाई दे रही थी, वह मुझे आश्वस्त कर रही थी कि आप लोगों ने कौशाम्बी जिला में और वैसे तो उत्तर प्रदेश की बहार में आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि फिर से एक बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, अपना दल की सरकार, निषाद पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, हमसे पूर्व वक्ताओं ने आप सबके सामने सारी बातें, चुनाव के मुद्दे आपके सामने रखे हैं। मैं उन मुद्दों को बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातों की तरफ आपको जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जब हम अपना दल की बात करते हैं, जब हम निषाद पार्टी की बात करते हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पर बैठ जाना नहीं है, किसी को एमएलए एमपी बनाना नहीं है, सिर्फ किसी को कुर्सी पर बैठा करके अपने आप को यह समझ लेना कि हमारी जीत हो गई, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े लक्ष्य को लेकर के विचारों की पार्टी है और सत्ता में आती है तो उस विचार को साकार करने वाली पार्टी है, इसको हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए आपने देखा होगा बाकी सारी पार्टियां, कोई वंश में फंस जाता है, कोई जाति में फंस जाता है, कोई अपने अपने मुद्दों को लेकर के चलता है, लेकिन लंबे उद्देश्य को लेकर के चलने का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। आप याद कीजिए 1950 से आप कहते आए हैं एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। दूसरे राजनीतिक दल के मन में कभी भी यह लालसा नहीं हुई कि भारत एक देश है, एक आत्मा है और एकात्मता के साथ अखंड चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह इच्छा पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि धारा 370 को आप लोगों की ताकत आने के कारण मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको।
आज हम अयोध्या आज हम यहाँ त्रिवेणी में आए हैं, इस विशेष पुण्य स्थान पर आए हैं। आप लोग कितने समय से कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर बनाने के लिए लगे थे, लोग मंदिर को अटकाने के लिए लगे हुए। आज लोग मंदिरों में जा रहे नेता, कोई घंटी बजा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है। ये वही राजनीतिक दल थे जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। याद रखना चाहिए इस बात को। आज घंटी बजा रहे हैं, बोलते मैं भी भगवान, मैं भी बजरंग बली का उपासक। अब घंटी बजा करके हो गया क्या? अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के लोग भी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विषय को लटका रहे थे, भटका रहे थे, अटका रहे थे, ये आपने मोदी जी की सरकार लाई जिसके आने के कारण सुप्रीम कोर्ट का बाद में फैसला जो आया उसको करने के बाद एक आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। ये विचारों की लड़ाई लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी ने। अगर मैं बात करूं बाबा विश्वनाथ काशी की, तो करोड़ों श्रद्धालु बेचारे गंगा जल लेकर के पतली गलियों से होते हुए दर्शन के लिए जाते थे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भव्य कॉरिडोर बना है, अब गंगा का स्नान करो और सीधे वहां से जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन करो, ये संभव हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की। मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ वो लोग हैं जो आस्थाओं में को भटकाते हैं, लटकाते हैं, अटकाते हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने भारत की संस्कृति को और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाते हुए चलने का निर्णय किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में रखने की बात। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 3 तलाक समाप्त करो, सुप्रीम कोर्ट ने। इन नेताओं को जिसको आपने पहले दिल्ली में बैठाया था 2014 से पहले, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। मोदी जी ने तय किया कि मुस्लिम बहनों को इस 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाएंगे और पार्लियामेंट के अंदर 3 तलाक का कानून ला करके करोड़ों मुस्लिम बहनों को आजाद किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह हम आपको कह रहे हैं और आपको जान करके मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं था, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, ये मुस्लिम देश है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, लेकिन हमारे ये नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। 3 तलाक भारत में था और उससे आजाद दिलाया तो मोदी जी ने दिलाया है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको हमको। अगर हम विकास की बात करें तो आपके ध्यान में आएगा कि किस तरीके से गरीब आदमी की चिंता की गई है। तो राम मंदिर से लगाए